material, you know. जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होती है बैक्टीरिया के अलावा, और ये प्रोसेस है ये इंटरस्पेसिफिक भी होती है, मींस डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज आपस में अपना जो डीएनए वो ट्रांसफर कर सकती है दूसरी स्पीशीज में, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में भी बैक्टीरिया में भी अपना क्रोमोसोम और डीएनए ट्रांसफर कर सकती है। तो मीन्स ये इंटरस्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन भी संभव है, और ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं हम। मीन्स कौन सा जीन जो ट्रांसफर करना है मेल से फीमेल में, ये भी हम कर सकते हैं, मीन्स मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेनली डीएनए ही ट्रांसफर होता है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसफर फॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज ओनली डीएनए। और जब जो रेसिपिएंट सेल है वो डोनर से अपना डीएनए लेती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही लेती है, और उस टाइम पीरियड को हम कॉम्पिटेंस ड्यूरेशन कहते हैं, कॉम्पिटेंस जब कॉम्पिटेंट स्टेट कहते हैं, सॉरी कॉम्पिटेंट स्टेट, उस स्टेट में अगर रेसिपिएंट सेल है कॉम्पिटेंट स्टेट में, तो उस स्टेट में वो ऑब्जॉर्व करती है डोनर का डीएनए, नहीं तो नहीं करती। और वो कॉम्पिटेंट स्टेट है वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड जब एंड होता है तब उसमें सेल में आती है, मीन्स एक्टिव ग्रोथ पीरियड कब एंड होता है तब सेल आती है कॉम्पिटेंट स्टेट में, और तब ऑब्जॉर्व करती है डोनर का डीएनए। दिस इज अबाउट द कॉम्पिटेंट। देन फैक्टर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से फैक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर प्रोसेस को कंट्रोल करती है, साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट का साइज एम इन स्मॉल साइज का फ्रेगमेंट है वो जल्दी अब्जॉर्व करती है, देन दैट ऑफ द लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट। मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डोनर डीएनए मस्ट बी डबल स्ट्रैंडेड, जो मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है डोनर सेल की वो डबल स्ट्रैंडेड होनी चाहिए। जो फिजिकल कॉम्पिटेंट स्टेट है ऑफ रेसिपिएंट सेल, अगर रेसिपिएंट सेल कॉम्पिटेंट स्टेट में है तो वो डोनर डीएनए को ऑब्जॉर्व करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और वो स्टेट होती है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, अमाउंट ऑफ डीएनए एडेड पर रेसिपिएंट सेल, और कितना डीएनए ऐड किया है एक रेसिपिएंट सेल के लिए डोनर सेल ने, वो भी इफेक्ट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर ज़्यादा डीएनए है तो देर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देन दैट ऑफ द लेस डीएनए।